नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 12 मई से सभी यात्री ट्रेनें चलने लगेंगी। जी हां दोस्तों, सभी के लिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कहां कहां ट्रेनें चलेंगी, क्या पूरे देश में ट्रेनें चलेंगी या कुछ शहरों में ही चलेंगी, कितना किराया आपको देना होगा, कैसे मिलेगा टिकट। जी हां दोस्तों, क्या वेटिंग लिस्ट वाले और RAC वाले इसमें यात्रा कर पाएंगे, और दोस्तों क्या क्या सुविधाएँ आपको मिलेंगी और आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आप टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं तो ये जानकारी जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप दोस्तों पछताना आपको पड़ सकता है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए देश भर में ट्रेनों की सर्विस रोक दी गई थी, लेकिन 50 दिनों की रोक के बाद सरकार ने एक बार फिर से पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पहला सवाल, क्या पूरे देश में ट्रेन की सर्विस शुरू होने वाली है या फिलहाल कुछ ट्रेनें ही चलाई जाएंगी? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है, 12 मई से देश के हर शहर में ट्रेनें नहीं चलेंगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें यानी अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाने की योजना है। इसे स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है, बाद में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगला सवाल है, किन शहरों के बीच चलेंगी 15 ट्रेनें? तो जवाब है, शुरुआती 15 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। नई दिल्ली से ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मंडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। अगला सवाल है, कब से शुरू होंगी इन ट्रेनों के लिए बुकिंग? तो दोस्तों इसका जवाब है, अगर आप इन ट्रेनों में सफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट से रिजर्वेशन कराना होगा। आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई शाम 4 बजे से शुरू होगी। याद रहे कि टिकट स्टेशन पर काउंटर से नहीं मिलेंगे, आपको यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग ही करानी होगी, और वो भी IRCTC की वेबसाइट से। अगला सवाल है, क्या वेटिंग टिकट और RAC वालों को ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त होगी? तो दोस्तों इसका जवाब है, नहीं, सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग टेस्ट भी की जाएगी। कोरोना के लक्षण दिखने वाले यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल है, क्या पहले की तरह टिकटों पर छूट भी मिलेगी? क्या होगा ट्रेन का किराया? तो दोस्तों ये ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जवाब है, रेलवे ने कहा कि फिलहाल किसी भी कैटेगरी के यात्री को किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी। इन ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी सारे कोच AC होंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी कोच AC होंगे, जनरल कोच नहीं होगा, यानी किराया भी ज़्यादा लगने वाला है। ये मानकर चलिए AC का किराया लगेगा, यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।